सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन में एडीएम सिटी आरके श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जनपद के सेक्टर मजिस्ट्रेटों के साथ कोविड 19 की रोकथाम के तहत बनाए गए रोस्टर व नियम के साथ ही आगामी त्योहारों के मद्देनजर लोगों से सामंजस्य स्थापित करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के तहत त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के संबंध में बैठक संपन्न हुई। बैठक में एडीएम सिटी ने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों से कहा कि लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई के साथ पालन कराते हुए बेवजह सड़कों पर निकलने वाले लोगों का चालान किया जाए। वहीं आगामी त्योहार के मद्देनजर लोगों के बीच में जाकर उन्हें आपसी सामंजस्य व सौहार्द के साथ त्योहारों को मनाने की अपील भी की जाए। इस दौरान एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ, एसीएम 1 मनोज कुमार, एसीएम 2 पवन सहित बड़ी संख्या में सेक्टर मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। इस पर आरोपी पक्ष के दो जगह सिग्नेचर हैं, आपके सिग्नेचर के नीचे और फॉर्म के बाई तरफ नीचे। ये दो सिग्नेचर आपत्तिकर्ता के आपको तीनों पेज पे करा लेंगे, भरिए एक ही पे, बाकी होमवर्क कर लीजिए, जब आप खाली हो तो दो कॉपी वो भी भर लीजिए। लेकिन आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर आपके हस्ताक्षर के नीचे राइट साइड में और फॉर्मेट के सबसे नीचे बाई तरफ, ये दो सिग्नेचर आपत्तिकर्ता के तीनों मान या दुपट्टा स्कार्फ ना पहनने पर या टूटने पर। तो आपने मास्क ना पहनने पे किया हो तो मास्क ना पहनने पर ये पहली बार कटिंग कर लीजिए। फिर इसके बाद हर काम में धनराशि का, तो प्रथम बार पे 100 रुपए है, दूसरी बार पे 100 रुपए है, तृतीय आपका पूरा फाइन वाइज हर मजिस्ट्रेट का किसने कितने बड़े चालान किए हैं। एक प्रोफार्मा मैंने आपसे प्रमाण पत्र का व्हाट्सएप में भेजा था सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया। देखिए, सेक्टर मजिस्ट्रेट जो लगे हुए हैं शहर के विभिन्न अलग अलग पॉइंट्स पे, तो उनकी बैठक बुलाई गई और उनको विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए। इस बैठक में मुख्यतः 3 या 4 बिंदुओं पर बात की गई, जिसमें सबसे प्रमुख था कि जो व्यक्ति अनावश्यक रूप से बाहर निकल रहे हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ लगा रहे हैं उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए, चालान की कार्रवाई की जाए, तो पहला बिंदु तो यह था। इसके अतिरिक्त जो आगामी त्यौहार हैं, जैसे बकरीद आ रहा है, रक्षाबंधन आ रहा है और भी चीज़ें हैं, तो उसके दृष्टिगत सेक्टर मजिस्ट्रेट को अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहना होगा और स्थानीय जनता से संवाद स्थापित करें और स्थानीय पुलिस से भी संवाद स्थापित करते हुए इन त्यौहारों को सकुशल निपटाने के लिए और जो प्रशासन और शासन के गाइडलाइन जारी हुए हैं उसका अक्षर अनुपालन कराने हेतु उनको बताया गया है। इसके अतिरिक्त सेक्टर मजिस्ट्रेट से ये भी कहा गया है कि जो निगरानी समिति के कार्य हो रहे हैं उसकी भी उनके द्वारा निरंतर उसमें सहयोग किया जाए और उसमें अगर कोई समस्या आती है तो बताया जाए। और इसके अतिरिक्त जो भी रोस्टर है और दुकानें हैं, जो दुकानें खोली गई हैं और जो भी थाना क्षेत्र में लॉकडाउन प्रभावी है तो उसमें लॉकडाउन का अनुपालन प्रभावी रूप से कराने के लिए इनको बताया गया है। तो सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को ब्रीफ कर दिया गया है और उनसे ये अपेक्षा की जा रही है कि जो लॉकडाउन उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई उनके द्वारा की जाए और जो आगामी त्यौहार आने वाले हैं उनको भी उनके द्वारा सकुशल संपन्न कराने में उनका योगदान दिया।